हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CCL सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने आपके लिए रिक्रूटमेंट निकाली है अप्रेंटिसशिप के लिए। यदि फ्रेंड्स आप इसकी अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट में भाग लेना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपके लिए वैकेंसी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की डिटेल फ्रेंड्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल है। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर बात करें कि आपकी एज लिमिट क्या रहेगी, आपकी इंपॉर्टेंट डेट क्या रहेगी या फिर वैकेंसी डिटेल है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, इसके लिए फ्रेंड्स बात करते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर जो अप्रेंटिसशिप है वो फ्रेंड्स आपके एक वर्ष के ट्रेड अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु यहाँ पर आपसे आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए आपको ट्रेड दी गई है, जैसे फिटर है, वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक है। यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ सीट्स प्रोवाइड की गई हैं और मिनिमम एलिजिबिलिटी आपको यहाँ दी गई है। तो फ्रेंड्स आपको 10th पास होना आपका ज़रूरी है फिटर के लिए और आपके पास ITI होनी चाहिए। 8th पास आपका वेल्डर के लिए है और ITI आपके पास होनी चाहिए। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो 10 प्लस ITI आपके पास होनी चाहिए। मैकेनिक की बात करें तो ITI इन मैकेनिक आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स है जो कि है आपके कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामर असिस्टेंट के लिए, जिसे हम कोपा कहते हैं। इसके बाद है पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक की, मैकेनिस्ट और टर्नर की वैकेंसी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ITI आपको इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, तो मिनिमम जो एज है वो आपकी 18 साल, मैक्सिमम जो है 30 साल रहेगी और ये 15/10/2019 को काउंट होने वाली है। इसके अलावा फ्रेंड्स यदि आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की, OBC कैंडिडेट हैं तो 3 साल की आपको अपर एज में छूट मिल जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स जो इसकी लास्ट डेट है वो आपकी 15 अक्टूबर 2019 है और फ्रेंड्स आप अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जाकर इसके लिए आवेदन आप कर सकते हैं। आवेदन की फ्रेंड्स जो जांच होगी उसमें आपके मूल दस्तावेज, जिसमें आपके माध्यमिक या फिर हाई स्कूल सर्टिफिकेट, ITI सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, आपका आधार कार्ड जिससे बैंक अकाउंट लिंक है, वो फ्रेंड्स आपको वहां पर प्रस्तुत करना होगा और मेरिट बेस पे फ्रेंड्स आपका यहां पर सिलेक्शन होता है, जैसा कि अप्रेंटिसशिप में किया जाता है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको NAPS के पोर्टल पर जो apprenticeship.gov.in है उस पर आपको आवेदन प्रस्तुत करना है। इसके अलावा कोई भी अदर पोर्टल से अगर आप आवेदन करते हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देख सकते हैं आप जो आधिकारिक वेबसाइट है www.apprenticeship.gov.in पर आपको जाना है। वहां पर फ्रेंड्स आपको अप्रेंटिसशिप टैट के तहत आपको जो अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन है वो आपको कंप्लीट कर लेना है, पंजीकरण कर लेना है और फ्रेंड्स उसके बाद जो आपको मेल ID पर एक पंजीकरण संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए जो आपको यहाँ एरियाज दिए गए हैं इन एरियाज में आपको सर्च करना है आपके अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर और वहाँ पर जाकर आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी स्पेशलाइजमेंट को आप सेलेक्ट करें और उसमें जो भी आपकी यहाँ पर ट्रेड है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपकी डिटेल्स है वो आपको इस सेक्शन में अवेलेबल हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स आप इस नोटिफिकेशन को आराम से चेक कर सकते हैं, यदि आप एलिजिबल हैं तो आप इसको अप्लाई भी कर पाएंगे। इसकी बाकी की जानकारी फ्रेंड्स आपको जैसा मैंने आपको पहले बताया वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप इसको नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको, साथ में आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा जैसे ही ये कल एक्टिवेट होता है, वहां पर सर्च होता है, इसके बाद फ्रेंड्स आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो हमने बात की CCL सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की नोटिफिकेशन के बारे में। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए A24 नॉलेज एंड द लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।